केरल के पलक्कड़ में हथिनी की मौत के मामले पर पर्यावरण मंत्रालय ने तलब की रिपोर्ट। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, हथिनी की मौत के मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा कि गर्भवती हथिनी की मौत का जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम के मुताबिक हथिनी की मौत की जांच वन विभाग की टीम कर रही है और दोषी की तलाश जारी है। केरल के मलप्पुरम जिले में कुछ शरारती तत्वों ने गर्भवती हथिनी को पटाखों से भरा अनानास खिला दिया। पटाखे हथिनी के मुंह में फटे। हथिनी के गर्भ में पल रहे उसके बच्चे समेत मौत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन से आज करेंगे वर्चुअल मीटिंग। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर होगी चर्चा। सुबह 11 बजे होनी है दोनों नेताओं के बीच बैठक। पीओके में बौद्ध मूर्तियां और स्मारक तोड़े जाने पर भारत का कड़ा एतराज। पाकिस्तान से फिर कहा कि ये गिलगित बाल्टिस्तान तक पूरा भारत का इलाका है, हरकतें रोकें और इलाका खाली करें। भारत चीन सीमा पर दोनों तरफ से तनाव कम करने की कोशिश। गलवान घाटी में पीछे हटे चीन के सैनिक। पेगंग झील में फिगर 4 पर अब भी सैनिक आमने सामने। दोनों तरफ से कम हुई आक्रामकता। शनिवार को भारत और चीन के बीच होगी कमांडर स्तर की वार्ता। ब्रिगेडियर स्तर की वार्ता में नहीं निकला था सीमा पर तनाव का कोई हल। चीन बोला, बातचीत से सुलझाएंगे समस्या। भारत ने किया साफ, चीन को हटना ही होगा पीछे। चीन की एक और हरकत, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर मजबूत कर रहा है नेवल बेस। सैटेलाइट से सामने आई ग्वादर पोर्ट के पास सिक्योरिटी कंपाउंड बनाने की तस्वीरें। भारत चीन विवाद पर रूस का बयान, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अच्छे होना जरूरी है दोनों देशों के संबंध। चीन के साथ सीमा विवाद पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बातचीत से सुलझाया जा सकता है विवाद, भारत का मस्तक नहीं झुकने देंगे। 6 जून को भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत। देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 48% से ऊपर पहुंची। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े, कुल 2,07,615 मरीज। 24 घंटे में 217 लोगों की मौत। केंद्रीय कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत खेती किसानी के लिए हुई घोषणाओं पर लगाई मुहर। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी जानकारी। किसानों की 50 साल पुरानी मांग हुई पूरी। अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू जैसे अनाज, फल, सब्जी आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर। वाणिज्य और उद्योग जगत के लिए भी लिया गया फैसला। हर मंत्रालय में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बनेगा, इससे भारत निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक और अनुकूल देश बनेगा। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को कभी भी भारत लाया जा सकता है। यूके कोर्ट ने 14 मई को उसके भारत प्रत्यर्पण पर आखिरी मुहर लगा दी थी। माल्या के साथ विमान में सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियों की अधिकारी होंगी। सूत्रों के मुताबिक विजय माल्या को मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखे जाने की तैयारी। माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए बकाया। पाकिस्तान ने एक बार फिर LOC पर सीजफायर का उल्लंघन किया। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के किरनी सेक्टर में हुई इस पाक गोलाबारी का भारतीय सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। केरल में गर्भवती हथिनी के साथ हुई अमानवीय घटना का पूरे देश में फूट रहा गुस्सा। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भी जताई नाराजगी। इंस्टाग्राम अकाउंट पर पेंटिंग पोस्ट कर लिखा, केरल में जो हुआ उसे सुनकर सहम गया हूँ। आओ अपने जानवरों के साथ प्यार से पेश आए और ऐसी कायराना हरकत को अब खत्म करें। पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कोरोना की वैक्सीन टेस्ट की तैयारी में जुटी। NIV ने वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए वन विभाग से 30 बंदरों की मांग की थी, मिली मंजूरी। कोरोना पॉजिटिव पाए गए देश के रक्षा सचिव अजय कुमार। साउथ ब्लॉक के दफ्तर को कराया गया सैनिटाइज। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम हुआ शुरू। साउथ ब्लॉक में मचा हड़कंप। दिल्ली में बीते 24 घंटे में सामने आए 1500 से ज्यादा कोरोना मरीज। 23,645 पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 606 लोगों ने कोरोना से राजधानी में तोड़ा दम। 13,500 के करीब सक्रिय कोरोना मरीज। दूसरे राज्यों से दिल्ली पहुंचने वाले सभी लोगों को अब क्वारंटाइन में रहना होगा जरूरी। बिना लक्षण वाले लोगों को भी 7 दिन रहना होगा क्वारंटाइन। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कोरोना से पीड़ित या संदिग्ध की मौतों के बाद दिल्ली के अस्पतालों के लिए जारी की गाइडलाइंस। मौत के 2 घंटे के अंदर मॉर्चरी भिरा जाना चाहिए शव। वंदे भारत मिशन के तहत भारत लाए गए वर्कर्स के टैलेंट का सरकार करेगी इस्तेमाल। स्वदेश योजना के तहत लोगों के डेटाबेस बनाने का काम शुरू। स्किल डेवलपमेंट का है मॉनसून। इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में भी सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान। जुलाई महीने में होगी ज्यादा बारिश।
महाराष्ट्र में निसर्ग तूफान की वजह से 4 जिलों में बिजली रही गुल। रायगढ़, पालघर, ठाणे और पुणे जिलों में आपूर्ति प्रभावित। निसर्ग तूफान से मुंबई के अलावा राज्य के कई और जिले